दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं आरोन जिला गुना में निवास करता हूं और ऐसे में दोस्तों कल रात एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। कल रात लगभग 9-10 बजे के इस टाइम था, उस समय जब मैं अपना ट्विटर हैंडल यूज कर रहा था, ट्विटर चला रहा था, तो उस समय एक ट्वीट आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जिसमें लिखा हुआ था कि आरोन रोड पर गुना से आने वाली बस का जो है दुर्घटना हो गई और उसमें कुछ लोगों के जलने की खबर है और कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है, तो उनको लिए शोक व्यक्त किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उन्हीं के ट्वीट के बाद मैं देखता हूं कि जयवर्धन सिंह जी का विधायक है हमारे यहां के रागोड़ा विधानसभा के, उनका ट्वीट देखता हूं। उसके बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ट्वीट देखता हूँ, तो एक के बाद एक जब ट्वीट देखे तो मैं अचंभित हो गया और हैरान रह गया कि इतना बड़ा हादसा जो है आखिर हो कैसे गया। तो इसके लिए दोस्तों पूरा प्रदेश पूरा देश काफी दुखी है और ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही है, मैं कहूंगा प्रशासन की स्पेशली, क्योंकि दोस्तों प्रशासन अगर समय समय पर ऐसे वाहनों की अगर जांच पड़ताल करे और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाए तो इन हादसों को टाला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कल हादसा हुआ था उसमें एक डंपर और एक बस आपस में टकरा गए थे। अब क्योंकि डंपर हो सकता है लोड हो, जिससे जैसे ही डंपर बस से टकराए तो बस जो है एकदम से रोड से उछल गई, मतलब दूसरी तरफ जाकर पलट गई और जैसे ही बस पलटी वैसे ही गर्म होकर बस में आग लग गई और कई लोग जो है उसमें मतलब फंस गए और जो लोग निकल सके वो बाहर निकल गए, कई लोग जलने लगे और जैसे ही जलने लगे कई लोग जलते हुए भी बाहर निकले और कई लोग और 13 लोग की खबर है, 13 लोगों की जान इसमें चली गई, मतलब 13 लोग मौत उनकी हो चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, पूरे प्रदेश और देश में इसकी चर्चा है। और चूंकि आरोन से जो हादसा हुआ है उसकी जो यहाँ से दूरी है लगभग 25 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में होगी यहाँ से जो दूरी है वहाँ तक, तो कहीं ना कहीं आरोन जब बस आ रही थी तो ज़्यादातर लोग जो थे उसमें वो आरोन क्षेत्र के ही थे। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं जो आरोन क्षेत्र है वो मेरा खुद का, जो कि मैं आरोन क्षेत्र में रहता हूँ और ऐसे में आरोन क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसी घटना होना ये मेरे लिए भी बहुत ही दर्दनाक है, साथ ही पूरे देश और प्रदेश के लिए भी दर्दनाक है। ऐसी घटनाएं आगे चल के ना हो इसके लिए सरकार को, शासन प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो हादसा हुआ बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और जिन भी लोगों की इस दर्दनाक हादसे में जान चली गई मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों को भगवान जो है अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। नमस्कार।